हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन वन दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द एंसियट हिस्ट्री इन द लास्ट सेशन वी टॉक्ड अबाउट द व्हाट आर दड़प्पाज एंड द प्री हिस्ट्रिक और यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेदिक कल्चर जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है पोस्ट हड़प्पा का तो ये एक तरह से डिक्लाइन के बाद ये वैदिक कल्चर का स्टार्ट होता है तो क्यों हम ये पार्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं क्योंकि हमेशा जब भी सोशल इकोनॉमिकल ये सब चेंज होता है तब जाकर एक नया युग की शुरुआत होती है तो दिस वॉज कल्चर दैट ये जो पंद्रह सौ से छः सौ बीस के बीच में है तो पहले इसको अर्ली वैदिक दैट इज ऋग्वैदिक एरा किया गया फिर इसको लेटर वैदिक इसको क्यों डिफाइन किया गया एक ही में तो कर सकते थे क्योंकि यहाँ से भी कुछ ना कुछ चेंज होता था पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज सो दैट्स वाई इट इज़ डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन टू पार्ट्स दैट इज़ अर्लीवैदिक एंड लेटर वैदिक रिगव वैदिक एरा जिसको अर्लीवैदिक एरा भी बोला जाता है इसमें क्या होता था कि पहले जो ये इंडिया का एक्चुअली जो मैप है यहाँ पे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट इज़ ई ईरान से यहाँ पे आर्यन का इन्वेजन हुआ तो बहुत सारे जो हमारे हिस्टोरियन है उनका मानना है कि हड़प्पा उन्हीं इसके कारण अटैक ऑफ आर्यन के बाद आर्यन uh, uh, वो हड़प्पा ख़त्म हुई और ये आर्यन का अटैक हुआ सो आर्यन वेयर नॉट अ रेस वो कोई जाति अभी कुछ नहीं थी वो बस जस्ट दे देवेर लिंग्विस्टिक ग्रुप थे उन लोग का लैंग्वेज के बेसिस uh, पे था और यहाँ पे एक्चुअली जो रहते थे वो ट्राइबल्स रहा करते थे तो आर्यन दे देवेर फेयर एंड फेयर काइंड ऑफ थिंग दे हैव अ फेयर कॉम्प्लेक्शन सो यहाँ के जो ट्राइबल लोग थे वो उनसे ज़्यादा फेयर थे और ये अटैक अफारेन हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट इज़ ईरान से ये माना जाता है कि ईरान से आए थे इनका ओरिजिन वही हो गया नाउ कमिंग टू द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द रिक वेदिक रिकवैदिक किस पोर्शन में था तो ये आपको अर्ली जो इसका टाइम पीरियड था पंद्रह सौ से एक हज़ार बी सी एंड द जियोग्राफिकल लोकेशन उससे पहले हम देख लेते हैं आर्यन का ऑरिजिन ये इसका पार्ट जो है डिबेटेबल है बहुत सारे लोग बहुत कोई बहुत बोलता है जैसे दयानंद सर्वस्व जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने बोला कि आर्यन केम फ्रॉम तिब्बत रीज़न तो इफ़ दिस इज़ इंडिया एंड नेपाल के ऊपर यहाँ पे तिब्बत वाला रीज़न है यूपी के ऊपर नेपाल नेपाल के ऊपर तिब्बत एंड हियर इज चाइना और ये चाइना इस पोर्शन को क्लेम करता है सो ही सेड दैट दे केम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम तिब्बत ये तिब्बत चाहे थे आर्यन इन हिज बुक सत्यार्थी सत्यार्थी में प्रोपाउंडर थे तिब्बत uh, से आए हैं ये दयानंद सरस्वती लिए। तो ये तो यू प्लीज मेक दिस नोट सो एंड अगेन बाल गंगाधर तिलक ने अपने बुक द होम ऑफ आर्यन आर्टिंग होम ऑफ आर्यन सॉरी द नेम वॉज आर्टिंग होम ऑफ आर्यन उन्होंने बोला कि ये नॉर्थ uh, पोल से आए आर्टिक साइड से ऊपर नॉर्थ पोल जैसे कि ये सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस हियर इज़ आवर इंडिया सो दे केम एक्चुअली फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से इस पार्ट में आए थे एंड नाउ पम पंडित गंगाधर तिलक सॉरी इट्स पंडित गंगानाथ झा टोल्ड दैट दे केम फ्रॉम बारह मासी देश और मैक्स मुलर ने बोला कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे तो मेनली यही माना जाता है कि सेंट्रल एशिया दैट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ईरान साइड से आर एन का इन्वेजन हुआ था <coughs> फैक्ट्स की बात करें रिग्वेदिक एराम तो आ, वो आ, मतलब वेद का मतलब होता है नॉलेज यहाँ बेसिकली वेद का मतलब होता है नॉलेज और ये नाउ द कहाँ कहाँ पे ये फैला हुआ था ज़ोग्राफिकल लोकेशन ऋग्वैदिक का तो ये रिग्वैदिक ऑन द बेसिस ऑफ़ रिवर ज़ोग्राफिकल पोजिशन ऑफ रिगवैदिक फिक्सेशन बिंगडन तो उसका फिक्सेशन कर इधर जो इंडिया इंडियन इंडिया के इस पंजाब और इधर अफगानिस्तान के पार्ट को कहा जाता है सो so, यही दो इंपॉर्टेंट एरियाज है और वो आके हरियाणा और गुजरात इस वाले पोर्शन पे आके वो सेटल हो गए और यहाँ पे वेस्ट यूपी जहाँ जहाँ तक इंडस वैली फैला हुआ था उसमें भी ये भी आके आर्यन भी उसी टाइम पे वही के आसपास थे तो ऋग्वेदिक एरा में ये बताया गया ऋग्वेद में जो बुक है हम लोग का ऋग्वेद उसी में बताया गया कि दे देवेर सेटल्ड इन हरियाणा गुजरात वेस्ट यूपी एंड द जम्मू एंड कश्मीर तो इस पूरे वाले एरिया पर जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार था वहीं पर आके ये बस गए थे इनका जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है सिंधु जो कि सबसे ज़्यादा बार मेंशन किया गया है ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार मेंशन कौन सा रिवर है दैट इज़ सिंधु जो सबसे ज़्यादा बार मेंशन किया गया है ऋग्वेदिक में और जो सबसे आ, होली रिवर जिसको पवित्र माना जाता था डैट इज़ सरस्वती जो अभी विलुप्त हो गया और कहीं नहीं मिलता है सो कहा जाता है कि ये अंडरग्राउंड बहती है सरस्वती नदी इसको सरस्वती नदी को रिवर ऑफ गॉड भी कहा जाता था सो लव दिस सरस्वती रिवर इज एक्सटेंड नाउ ऑन द प्लेस ऑफ द सरस्वती रिवर घाघरा रिवर फ्लोस तो जहाँ पे सरस्वती रिवर फ्लो करता था तो वहाँ पे माना जाता है कि उसी डायरेक्शन अब घाघरा रिवर बहती है जो कि एक वो भी था कि घाघरा रिवर के सूखने से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ था और जो डिक्लाइन हुआ था तो ये भी माना जाता है तो ये बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर था वो सिंधु जो कि इंडस रिवर था जो सबसे ज़्यादा बार मैंशन किया गया है ऋग्वेद में तो सिंधु वाज मोस्ट मैंशन रिवर एंड सरस्वती वाज द मोस्ट होली रिवर तो ये क्वेश्चन आ सकता है मे बी यू पी एस सी नो स्टेट बेसिस में ज़्यादा पूछते हैं सो ऋग्वेद जो ऋग्वेद में जो लोग रहते थे वो सिंधु के आसपास ये जो पांच यहाँ पांच नदी के संगम के आसपास रहते थे तो ये सपोज दिस इज द मैप ऑफ इंडिया ओके दिस इज द रफ मैप और यहाँ पे जम्मू एंड काश्मीर है ठीक है तो यहाँ से जो आ, आ, राक्षस लेक से जो इंद्रश नदी नि, निकलती है तो वहाँ पे उसके पांच सपोर्टिंग रिवर है दैट इज आपको हो गया रवि चेनाब झेलम और आ, आ, सतलज और क्या हुआ और ब्यास ये पांच रिवर हैं ठीक है पांच रिवर के आसपास ये लोग रहा करते थे तो सतलज व्यास रवि झेलम चिनाब उस टाइम पे इनके नाम थे सतलज का जो नाम था वो सतुद्री था सतलज का नाम सतुद्री और व्यास का नाम विपाशा रवि का नाम पारवशी और झेलम का नाम वितस्ता और चिनाब का नाम अस्किनी तो ये पांच रिवर के आसपास इन लोग रहा करते थे ऋग्वेदिक में लोग तो बेसिकली वही जो हो गया इंडस वैली जहाँ पे था तो कि एक्चुअली टाइम फ्रेम है वही टाइम फ्रेम में बस सोशल कल्चरल चेंज हुआ इसी के वजह से ये टाइम स्लॉट बांटा गया है तो ये पांच रिवर हो गया आपका सतुद्री जो सतलज था बिपाशा जो व्यास था और पार्वशनी जो रावी नदी थी और वितास्ता जो झेलम और आस्किनी जो चेनाब और भी कुछ रिवर है जो ऋग्वेद में मेंशन है जैसे कि जो ये सब नदी अब आपको अफगानिस्तान के ये तीनों नदी है जैसे कि काबुल जो नदी था वो उसका नाम था कुभा कुर्रम जो नदी था कुर्रू और प्रेजेंट का जो स्वात नदी है उसको स्वात्सू नाम था उस टाइम पे ऋग्वेदिक एरा में तो ये हो गया और स्वात के बारे में कहा जाता है कि ये बेस्ट प्लेस था रहने का तो अफगानिस्तान में जो स्वाद का पार्ट है वो बेस्ट प्लेस था आ... रहने का तो ये ऋग्वेदिक में जियोग्राफिकल लोकेशन पता चल गया अब इसका एक्सपेंशन हुआ था लेटर वैदिक में तो फिर से चेंज हुआ सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफिकल पोजिशन में चेंज हुआ इसलिए इसका एक्सपेंशन तो उसको लेटर वैदिक में करा दिया गया तो यहाँ पे लेटर वैदिक का टाइम फ्रेम दिया हुआ है एक हज़ार से छः सौ बी सी सो अराउंड वन थाउजेंड बी सी आर एन एक्सपेंडेड इन ईस्ट टू तो छः सौ एक हज़ार बी सी तक आते आते आर्यन जो थे इधर जो नॉर्थ वाले रीजन में रहते थे ओके नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन बनते थे दे एक्सपेंडेड टूअर्ड्स ईस्ट तो ये ईस्टर्न साइड इधर आपको जो इधर इधर मध्य प्रदेश हो गया यहाँ बिहार तो ये ईस्टर्न साइड पे ये एक्सपेंड किए क्योंकि दो रीजन की वजह से क्योंकि आयरन uh, उस टाइम पे इन्वेंट हो चुका था और उससे वो क्या कर देते फॉरेस्ट को कटिंग करने में वो बहुत मदद करता था सो आयरन वॉज इन्वेटेड एट दैट टाइम एंड इट हेल्प टू क्लियर द फॉरेस्ट अलॉट और दूसरा ये है कि रिलीजियस एंड लिटरेसी जो रिलीजियस एंड लिटरेसी जो बिलीव हैं कि ऋषि विदेद माधव ने आर्यनाइज किया था पूरे एरिया को कहाँ तक ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ़ सादानेवा मेंशन नहीं था सतपत ब्राह्मीण जो टेक्स्ट है उसमें मेंशन किया गया कि ऋषि विदवे माधव ने आर्यनाइज किया था और ये कहीं करीब पटना के आगे तक उन्होंने उस पूरे एरिया को आर्यनाइज किया था इसीलिए पटना का गंगा शुद्ध नहीं माना जाता तो यही रीज़न है पटना का गंगा जल को कुछ शुद्ध नहीं माना जाए क्योंकि वो आर नहीं है क्योंकि पटना के ऊपर जो था वहीं तक आ, सादा नेमना तक ये कोश्च ऑफ सादा नेना के कोष्ट तक ये आर हुआ था इसलिए वहाँ का जो सदप सतपद ब्राह्मीण में ये मैंशन है तो ये भी लिख लीजिएगा सो अगर नोट्स बनाना हो तो आई आई हैव द नोट सो डो मैसेज मी सो so, उस टाइम तक लेटर वैदिक तक आते आते नए नए जगह का वो हुआ क्योंकि देखिए ऋग्वैदिक एरा में वो लोग इधर जो सपोज दिस इज गुजरात एंड ये इंडिया है तो ऋग्वैदिक एरा में इस पोर्शन पे रहते थे लेटर वैदिक तक आते आते तक आयरन का इन्वेंशन होने के बाद उन्होंने फॉरेस्ट कस्ट की कट किया और नए नए सिटी का इस टाइम पे ओरिजिन हुआ जो कि था वाराणसी और अयोध्या और नॉर्थ बिहार में मिथिला दरभंगा तिरहुट और मुजफ्फरपुर ये चार नदी सॉरी चार शहर आ, लेटर नदी में ये आ चुके थे तो वाराणसी अयोध्या जो है फैजाबाद और नॉर्थ बिहार में मिथिला दरभंगा तिरुट और मुजफ्फरपुर ये आ, चार हो चुके थे उस टाइम तक एक्चुअली मैप में दिखा देता हूँ तो ये लेटर वैदिक में जब इन्होंने वही जो टाइम बिकते गए आयरन कंवेंट हुआ पेड़ कटते गए और जगह को खाली करते गए और ये जहाँ पे नदी के किनारे लोग बसते गए तो बेसिकली जो जितने भी एरिया है वो आसपास कहीं कहीं ना कहीं नदी के ही आसपास बसे हैं और उन्होंने क्योंकि वहाँ का जो लैंड था फर्टाइल होता था खेती करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त जो होते हैं ज़्यादा अच्छे होते थे ठीक है तो ये इन लोग नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न साइड में क्लियर करते करते वाराण पहला जो वाराणसी था ठीक है दूसरा अयोध्या और तीसरा बिहार में जो कि मिथिला दरभंगा तिरहुट और मुजफ्फरपुर में एक हज़ार बी सी तक और एक हज़ार बी तक ये आ चुके थे वैदिक एरा तक और धीरे धीरे इन्होंने जनपद का निर्माण किया जैसे कि कुड़ू जनपद जो था भारत कुड़ू जो जनपद था वो भारत प्लस भारत प्लस पूर्व जनपद को मिलाकर बना था जो कि अभी प्रेजेंट डे दिल्ली और हरियाणा वाला रीजन है तो उसी में कुड़ू जो महाजनपद था उस टाइम पे, और दूसरा पंचाल जो कि तुरवस और किरवी के मिलकर बना था जो प्रेजेंट डे बरेली और फरुखाबाद के जो है इसमें जो पंचाल जो था वो फेमस जो पंचाल में तुरवार जो जनपद था और ये सब महाजनपद है कूड़ू और पंचाल महाजनपद है तो जो पंच तो सॉरी uh, तुर्वास जो uh, जनपद था वो बहुत फेमस था स्कॉलर के लिए जिसमें कि uh, जयबेली और परवाहन वेरी फेमस स्कॉलर यहाँ पे तुर्वास जनपद पे थे और ये नोट कीजिएगा कि इन द टेक्स्ट सदभ ब्राह्मण कुड़ू पंचाल वाज कॉल्ड बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन जो सदभद ब्राह्मण टेक्स्ट है जो कुड़ू पंचाल था कुड़ू और पंचाल ये बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है वैदिक एरा का वैदिक वैदिक सिविलाइजेशन में वैदिक सिविलाइजेशन uh, का बेस्ट ये वो है और यहाँ पे आपका जनपद का हो गया ठीक है एक्सपेंशन हो गया लेटर वैदिक में जहाँ बनारस अयोध्या नॉर्थ बिहार में आए थे इन लोग आदमी लोग जो भी थे रिगवैदिक पीपल नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल कंडीशन तो ये पॉलिटिकल कंडीशन पूछ आ, है जो सॉरी हेरिक पीपल का पॉलिटिकल कंडीशन तो ये जो इनके हेड होते थे वो मोनार्किल होते थे ठीक है मोनार्किल मतलब कि एक ही राजा का मतलब वो था और ये पोस्ट जो था हेरीडेटरी था और नेचर क्या था ट्राइबल था और नॉर्डिक तो ये आप कंडीशन हेडिंग डाल के पॉलिटिकल कंडीशन दैट वाज मोनार्कियल और नेचर जो इनका था वो ट्राइबल एंड नॉर्डिक था और जो इनके हेड होते थे वो हेरिटिव वंशानों का मतलब कि राजा का बेटा राजा इसका बेटा राजा इसका बेटा राजा तो ये हेरिडेटरी था ठीक है और ये मोनार्किल था मतलब कि एक आ, सेंटर में एक रूल होगा वो भी जो राजा के अधीन होगा सारा एरिया और जिसमें जो पॉलिटिकल यूनिट थे तो सबसे ऊंचा जो यूनिट था वो था जन जन के नीचे था विश ये बता देता हूँ ठीक है सबसे छोटा सॉरी चलिए नीचे से लेके चलते जो सबसे छोटा जो एक सपोज आपका फैमिली है ठीक है तो आपका फैमिली में जो हेड होगा उसको बोलते थे कुलप Uh, कुल्फ जो फैमिली के हेड होते थे सपोज जैसे कि आपके फैमिली के जो भी हेड है उसको कुल्भ बोले थे और ये सबसे स्मॉलेस्ट होता था यूनिट पॉलिटिकल यूनिट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता था तो ये जो कुल था ये फैमिली के लेवल पे था सपोज आपका फैमिली उसके लेवल पे और इसके हेड को बोला जाता था uh, कुल्लफ तो कुल्लफ वाज द स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल uh, यूनिट और कुल्फ जो थे सॉरी दिस वाज कुल्लफ जो थे वो हेड होते थे फैमिली के नाउ ग्राम इसको बहुत सारे कुल्फ मिलके और कुल मिलकर एक ग्राम बनता था ग्राम के हेड होते थे ग्रामीण ग्राम के वर्ड होते थे ग्रामीणी और विश बहुत सारे ग्राम मिलकर बनता था एक विश और विश के हेड होते थे विशपति और बहुत सारा विश मिलकर बनता था एक जन जो कि सबसे बड़ा होता था जनपद वो उसके हेड हेड को बोला जाता है राजन किंग और जनपति सो ये पॉलिटिकल यूनिक था, था एरा का तो ये कुल होता था फैमिली लेवल के बहुत सारे, सारे फैमिली मिलकर बनाते थे ग्राम और ग्राम मिलकर बनाते थे विश और विश के मिला के बनते थे जन तो ये बेसिकली आपको फैमिली लेवल हो गया ये डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया आपको जो भी है और ये स्टेट लेवल हो गया और ये सेंट्रल जैसा अभी के पॉलिटिकल टाइम पे ये अभी क्या जैसे था तो ये जन के हेड होते थे जनपति विश्व के हेड होते थे विश्वपति ग्राम के होते थे ग्रामीणी और कुल के कुलफ तो ये पॉलिटिकल यूनिट था और यहाँ पे आप सोचिएगा उस टाइम पे किंग का होता क्या काम था किंग क्यों रहते थे सो so, इनका किंग का जो मेन काम था कि ट्राइबल यहाँ पे जो लोकल ट्राइबल थे उनको प्रोटेक्शन देना और उनके जो गा गाय थे और आ, गाय के लिए जो भी लड़ाई होती थी उस टाइम मेन जो ऑक्यूपेशन था सिर्फ गाय ही था लेकिन आपको हड़प्पा में कोई भी काउ का एविडेंस नहीं मिलेगा तो किंग का मेन काम क्या था ट्राइबल का प्रोटेक्शन और यहाँ पे उनको गाय को ढूंढना ठीक है तो गाय को ढूंढना और ट्राइबल का आ, जो प्रोटेक्शन होता था और किंग को असिस्टेड करने के असिस्ट करने के लिए सहायक कौन होते थे पृष्ठ और पुरोहित दो होते थे और उनका एडमिनिस्ट्रेशन को कौन करता था तो कमांडर ऑफ आर्मी तो जो भी उनका आर्मी होता था आर्मी का कमांडर उनको एडमिनिस्ट्रेशन करता था और एडमिनिस्टर करता था किंग और उनके जो पृष्ठ और पुरोहित उनके असिस्टेंट होते थे सो दिस द किंग का काम उन लोग का गाय था ज़्यादा कुछ था नहीं गाय को ढूंढना और थोड़ा मोड़ा तो वहां पे कुछ कुछ यहां पे आपका किंग के बाद हो गया नाउ कमिंग टू द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ओके सो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के यहां पे थे ठीक है ऑर्गेनाइजेशन दो थे एक था सभा और एक था समिति इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा पूछेगा इन स्टेट पीसेस में सभा समिति दो होते थे सभा में कौन होता था जो भी एल्डर और जो बड़े लोग होते थे सारे गांव के और जो भी तो ग्रामीणी जो भी ग्रामीणी में जो सब जो हेड हुआ आप वो जो भी बड़े बड़े लोग सिविलाइज पीपल थे वो इसमें रहते थे सभा में ठीक है और इसमें विमेन का भी पार्टिसिपेशन था तो सभा में मेनली यहाँ पे सारे एल्डर पीपल और वेमेन का भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन था तो देख लीजिए उस टाइम पे सब आप बोला जाता है कि रिग्वेदिक एरा में सबसे बेस्ट कंडीशन था वेमेन का समिति में सारे पीपल मेंबर होते थे जितने भी लोग हैं ऑल पीपल वेयर मेंबर एंड इट वाज यहाँ पे इफ द इलेक्शन टुक प्लेस दिस पीपल चूज द किंग अगर इलेक्शन होता था तो दिस पीपल चूज द किंग और यहाँ पे दो और ये हो गया सभा का और समिति का सभा में सभी बड़े पीपल और वेमेन वेयर ऑल्सो द मेम्बर्स एंड समिति में सारे आ, बड़े जो भी बड़े छोटे जो बुजुर्ग जो भी हैं सब थे मेंबर और इलेक्शन में अगर होता तो ये भी यही पार्टिसिपेट करके चूज़ करते थे किंग को और यहाँ पे दो और है विदत और गन विदत और गन का ज़्यादा दो और इंस्टीट्यूशन था विदत और गन तो विदत और गन के लिए आ, उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें हमारे पास नहीं है लेकिन माना जाता है कि ये दिस वेयर द इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल एंशंट इंस्टीट्यूशन दे वेयर और ये जितने भी विदत गण सभा और समिति जो भी बनाए गए थे ये किंग के कंट्रोल एक्टिविटी पे मॉनिटर करने के लिए बनाए गए थे ना कमिंग टू द टैक्सेशन इन द वैदिक एरा सो आई थिंक ये काफी लंबे वीडियो होगा तो लेटर वैदिक विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट पार्ट सो so, यहाँ पर सिर्फ हम लोग रिगवैदिक ही देखेंगे और लेटर वैदिक दैट विल बी इन द नेक्स्ट पैट टैक्सेशन की बात करें तो टैक्स में देर नो टैक्स बस जिसको मन होता था किंग को अपने मन से बलि ऑफरिंग दे दिया करता था सो देर नो टैक्सेशन टाइप ऑफ थिंग सो किंग के जो भी मन हुआ और उसे जाकर किंग को दे दिया गया बलि जो कि प्रेवलेंट था उस टाइम मतलब मन से दिया जाता था नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइट दैट इज़ जुडिशियल सिस्टम सो देर वेर नो रिटन लॉ बट क्राइम जरूर वहाँ पे uh, होता था तो जुडिशल सिस्टम में जो था वो इनका नो कोई भी रिटन लॉ नहीं था कोई भी कुछ नहीं था बट क्राइम होता था ज़्यादा क्राइम होता था क्योंकि गाय यहाँ पे अगेन गाय का आता है बात सो so, so, uh, cow, गाय सो देर टुक अ क्राइम दैट थेफ्ट ऑफ काउस का गाय की चोरी और वहाँ पे जो अनिया ट्राइब थे वो जनरली ये सब काम किया करते थे ये माना जाता है मतलब आ, ये बुक में लिखा हुआ है सो so, अनरिया ट्राइब जो है ये ज़्यादा गाय की चोरी करते थे सो देर वॉज़ नो डेथ पेनल्टी गाय की चोरी पे बस इकोनॉमिक पेनाल्टी होता था सो नो डेथ पेनल्टी वॉज देयर सो जुडिशल सिस्टम भी उतना आ, रेलिवेंट नहीं है मतलब ज्यादा मजबूत नहीं था और एक वेदिक में सबसे विश्व का पहला युद्ध का मेंशन है बैटल ऑफ दशराग्ञ दशराग यह युद्ध हुआ था सबसे पहला सो ये किसके बीच हुआ था ये ये एक, एक, एक सातवें मंडल में लिखा गया है ठीक है दसराग युद्ध कौन से मंडल में तो ये सातवें मंडल में लिखा गया है तो ये भारत वंश और यूनियन ऑफ टेन किंग के बीच में हो गया था तो एक साइड एक किंग था और एक साइड दस किंग थे ठीक है भारत वंश और एक साइड दस किंग थे और ये रावी नदी के आ, तट पर ये हुआ था रावी का पुराना नाम क्या था पुरुषनी रिवर तो रावी नदी के तट पर हुआ था तो प्रेजेंट रावी के नदी के तट पर दसरा के का हुआ था तो ये सबसे सातवें मंडल में ये मैंशन डेरिक वेद के ठीक है तो टोटल करीब आ, एक से लेकर बारह जो सबसे नया ऐड किया गया और दो से लेके ग्यारह तो ये आपको इतना मंडल है तो ये सातवें मंडल में इसका मेंशन है ठीक है अंतराग युद्ध का आ, एक और चीज़ जो छूट गया था यो किंग थे उनके असिस्ट करने के लिए मैंने बताया था पुरोहित सेनानी और वरजपति तीन होते थे किंग को असिस्टेंट देने के लिए तो पुरोहित कौन थे पुरोहित अ टीचर एंड एडवाइजर टू द किंग सेनानी जो था वो किंग का फ्रेंड हुआ करता था वॉर में और वजपति वरजपति जो था अगेन गाय का जो खाने पीने का था उसका पाशर इनका पेशर जो उसको बोला जाता है भूसे जो भी होता था उसका इंचार्ज होता था वरजपति अब पॉलिटिकल यूनिट की बात करें तो लेटर वैदिक में क्या क्या चेंज हुआ अगेन सो पीपल स्टार्टेड टू ली परमानेंटली और उस टाइम पे नेशन का कंसेप्ट आया <coughs> सो आई एम सॉरी शायद कोई मेरा नाम लेने लग गया था सो so, यहाँ पे जो लेटर वैदिक का इकोनॉमी का जो मैंने अभी किंग के असिस्टेंट के बात किया तो लेटर वैदिक में आते आते तक पॉलिटिकल चेंज बहुत सारे हुए थे यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ नेशन का पहला बार कंसेप्ट आया था नेशन पहले छोटे छोटे जगह पर रहा करते थे और पीपल जो थे वहाँ के लोग वो अब परमानेंटली स्टार्ट कर दिए थे रहना सो so, यहाँ पे छोटे छोटे जन और जनपद वे बनने लगे बहुत सारे जन को मिलाकर जनपद बनने लगे और मत्स्य निकाय का मत्स्य न्याय का पहला बार कंसेप्ट आया और बहुत सारे छोटे छोटे जो जन थे वो जन मिलकर जनपद बनने लगे इनका जो फिर इनका आते हैं तो ये इनका परमानेंटली सेटल्ड हो गए इनका इनमें भी होता था मोनार्की मोनार्कल टाइप ऑफ गवर्नमेंट और जो भी था मोनार्की और वो भी हेरिडिटी होता था और यहाँ पे जो कि ऋगवैदिक में कोई भी टैक्स नहीं था लेकिन लेटर वैदिक में आते आते तक टैक्स स्टार्ट हो गया था शुल्क और बली पहला था शुल्क और दूसरा था बली सुल क्या होता था कि सारे प्रोफेशन को देना पड़ता था और बली बिकेम कंपल्सरी टू ऑल पीपल आ, टू आ, जैसे कोई भी प्रोफेशन होता था उनको सुई दिया करता थे नाउ और आ, इनके पॉलिटिकल कंडीशन में नाउ इनमें आते ऑफिसर और मिनिस्टर जो कि उसमें नहीं थे तो इसमें टोटल बारह ऑफिसर थे ऋग्वेदिक में जिसको रतनीन भी बोला जाता है रतनीन सो so, रतन इनको बोला जाता था सो दिस वाज द ट्वेल्व मिनिस्टर इन द लेटर वैदिक एरा और लाइक जस्टिस सिस्टम इन में भी लाइक रिक वैदिक देर वॉज नो चेंज टुक प्लेस एंड यहाँ पे दो टर्म मिलता है ग्रामवादी और स्पास यहाँ पे लेटर वैदिक में दो टर्म जस्टिस सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं था वही इकोनॉमिक uh, पेनाल्टी दिया जाता था और लेकिन यहाँ पर दो टर्म मिलता है पहला था ग्रामवादी और दूसरा है स्पास स्पास जो था वो स्पाई था और ग्रामवादी था तो दे पॉसिबिलिटी दे लुक आफ्टर जस्टिस जस्टिस दिलाने के काम करते थे पुलिस यहाँ पे भी नो रेगुलर आर्मी कोई भी आर्मी नहीं थी लेटर वैदिक तक नाउ कमिंग टू द ऋग्वैदिक इकॉनमी सो यहाँ पे इकॉनमी जो क्या था अर्बन नहीं था रूरल था इकोनॉमी जो था वो रूरल था पीपल वेर स्टिल नोमेडिक एंड दे फेर सिंपल पेस्टोरल पीपल सिंपल जो आदमी लोग बहुत सिंपल हुआ दुआ करते थे इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था आयुर्वेदिक में इनका मेन ऑक्यूपेशन था कैटल रेलिंग पशुपालन जानवर को पालते थे अगेन गाय को पालते थे मेन का गाय था वो काउ था और हॉर्स था और गाय को अघन्य बोला गया कि इसको मारा ना जाए गाय वॉज कॉल्ड अघन्य

जावा को बोला जाता है रिगार्डिंग इट लाइक सम हिस्टोरियन बिलीव दैट इट वॉज बार्ले बट सम से दैट इट वॉज द कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल क्रॉप तो जावा इनमें बोला गया है इनका मैंशन किया गया है जावा के आयुर्ग्वेद में सो so बहुत सारे बोलते थे कि ये बार्ले है लेकिन बहुत सारे स्टोरी इनका ये भी मानना है कि दैट सारे जैसे राइस बार्ले सबको मिलाकर उससे जावा बोला जाता था और ऋग्वेदिक में सारे मेटल आ, का पता गया जाता एक्सेप्ट आयरन और बहुत सारे मेटल सारे मेटल लगभग नून थे एक्सेप्ट आयरन और भी फैक्ट की बात करें तो में कॉपर को अयास बोला जाता था ऋग्वेदिक में कॉपर को अयास बोला जाता था ठीक है और वही लेटर वैदिक में आयरन को साम्यस बोला जाता था आयरन वाज कॉल्ड सामियासम जो भी बोलो तो ऋग्वेदिक में Uh, कॉपर को आर्यन सॉरी uh, आयास बोला जाता था और लेटर वैदिक वेद, uh, में आर्यन सॉरी uh, आयरन को साम्यस बोला जाता था और निस्क जो था उस टाइम पे गो, uh, गोल्ड ऑर्नामेंट था और जो मीडियम क्योंकि वहाँ पर उस टाइम तक कॉइन का uh, जैसे मनी का कोई भी वैल्यू नहीं था सो so, उस टाइम तक बार्टर सिस्टम वाज प्रेवलेंट सो so, बाटर सिस्टम में निस्क का जो भी गोल्ड का होता था निस्क सो दैट वाज यूज्ड फॉर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो निस्क यूज एज अ मीडियम एक्सचेंज और मनी की बात करें तो कोई भी मनी नहीं था बाटर सिस्टम वाज प्रेवलेंट और फिर भी यहाँ पे ट्रेड था इट वॉज लिमिटेड ओनली लोकल ट्रेड टू प्लेस तो ट्रेड की बात करें तो ट्रेड वॉज देयर एंड इट वॉज लिमिटेड सो लिमिटेड लोकल ट्रेड हुआ करता था सो नो एविडेंस देर वॉज नो एविडेंस ऑफ फॉरन ट्रेड तो कोई भी आयुर्वेदिक में कोई भी फॉरन ट्रेड नहीं था और सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्टेड प्रोफेशन हुआ करता था Uh, में वो था कारपेंटरी का ठीक है कारपेंट्री वाज़ द मोस्ट uh, रिस्पेक्टेड uh, प्रोफेशन uh, इन दिग्वेदिक एरा और uh, ज्योमेट्री उस टाइम तक ओरिजिनेट uh, हो गया था वो सोलह सूत्र में मेंशन किया गया ज्योमेट्री का uh, मेंशन इन सोलह सूत्र ज्योमेट्री वाज़ मेंशन और uh, अब इकोनॉमी देखते हैं लेटर वैदिक में क्या था तो स्टिल uh, सेम था और uh, रूरल था जंगल था परमानेंटली सेटल्ड हो गए थे अब तक ये और इसमें फर्स्ट टाइम राष्ट्र का टर्म यूज हुआ है राष्ट्र मतलब देश तो में लेटर वैदिक में फर्स्ट टाइम राष्ट्र का यूज हुआ है तो राष्ट्र इज कॉल्ड देश नाउ द मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर इन द सद ब्राह्मीण टेक्स मेंशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर तो सतपद ब्राह्मीण में सारे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर का मेन्शन किया गया है और अदर uh, ऑक्युपिकेशन की बात करें तो सारे प्रोफेशन uh, किया जाते थे ऋग्वेदिक में बट लेटर वैदिक में आयरन स्मिथ वाज एडेड तो लोहार आया था आयरन लेटर uh, वैदिक में और तब तक सॉरी इट इज कॉल्ड आयरन स्मिथ सो आयरन स्मिथ लेटर वैदिक में ऐड किया गया था तो ये क्वेश्चन पूछ सकते थे uh, जैसे ऑप्शन दिया रहेगा कि कौन सा ऑक्यूपेशन जो है कार्पेंट्री है जैसे ऑप्शन में रहेगा कि कौन सा ऑक्यूपेशन जो ऋग्वैदिक में नहीं था सो इफ देयर इज ऑप्शन आयरन स्मिथ सो प्लीज़ आयरन स्मिथ को मारे तो लेटर वैदिक में ही आयरन स्मिथ आए थे ठीक है तो मेन ऑक्यूपेशन स्टिल देर वॉज कैटर रेडिंग बट एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड और यहाँ पे मेन बात करें तो यहाँ पे लेटर मोनोगैमी और पॉलीगैमी दोनों प्रैक्टिस किया जाता था पॉलीगैमी जो होता था वो किंग और रिच पीपल जो ये करते थे जाहिर सी बात है उनके पास पैसे होता था अगर हम सिंपल ये लिखा हुआ नहीं है बस मेरे व्यूज़ है तो जाहिर सी बात है कि उनके पास पैसे हुआ करते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दो से तीन ज़्यादा लोगों को खिला पिला सकते हैं मेंटेन कर सकते हैं तो इसीलिए लिए पॉलीगैमी वॉज प्रेविलेंट एंड इट वाज मेनली प्रैक्टिस बाय द रिच एंड द kings and monogamy was single wife that was still uh, to the normal people और यहाँ पे ऋग्वेदिक में यूनियन बनाया जाता था सब चीज़ का ट्रेड का वो उसको शेरनी बोला जाता था एंड इट्स हेड वाज कॉल्ड श्रेष्ठी एंड ज्येष्ठक तो श्रेष्ठी और ज्येष्ठक हेड को बोला जाता था यूनियन के ठीक है और यूनियन को बोला जाता था सेरनी नाउ कमिंग टू द ऋग्वेदिक सोसाइटी तो सोसाइटी का नेचर क्या था वो ज्वाइंट uh, फैमिली थे और पेट्रियरिकल फैमिली था तो हाँ तो फैमिली के हेड को क्या बोलते थे गृहपति ठीक है गृहपति और ज्वाइंट फैमिली में मैं और पेटर्नल दोनों साथ में रहते थे जो भी सपोज कि उसमें एक टर्म यूज किया गया नरपति तो ऑल जितने भी रिलेटिव है सारे एक ही जगह पे अड्डे करें सोचो कितना आई कांडे में से निवेंद बट ठीक है अच्छा है अच्छी बात है सारे एक जगह पे रहा करते थे और कुछ ठीक है एक जगह पे रहा करते थे और इट वॉज़ अगेन पेट्रियाकल सोसाइटी ठीक है उसके हेड को बोला जाता था गृहपति और uh, मेन जो इसमें आता है आज तक uh, जो रह गया वो था वर्न सिस्टम एक्चुअली जो वर्न सिस्टम था ठीक है ये सपोज इंडिया का मैप है शॉर्ट एंड सिंपल सो आर्यन का इन्वेजन हुआ ठीक है तो यहाँ पे जो लोकल थे uh, यहाँ इधर के जो लोकल थे दे देवेर लेस फेयर देन द आर्यन हु इन्वेडेड इंडिया तो एक्चुअली जो उस टाइम पे वर्ना सिस्टम था वो कलर पे बेस्ड था ठीक है तो कलर पे बेस्ड होते होते उसके बाद हुआ ऑक्यूपेशन पे बेस्ड ठीक है ऑक्यूपेशन okay, उसके बाद ये अब क्लास बन गया सो so, पहले कलर पे था आर्यन थोड़े फेयर थे इन कंपैरिजन टू द जो भी यहाँ पे लोकल पीपल हुआ करते थे ईस्ट इधर के और जो मिडिल ईस्ट से आए थे उन लोग थोड़े फेयर थे इन लोगों के कंपैरिजन में सो so, पहले जो वरना सिस्टम था वो कलर पे था तो वरना सिस्टम जो है वो दसवें मंडल में मैंशन किया गया है ऋग्वेद के इन दिस मंडल देर वॉज़ फोर वर्न दैट इज़ जैसे और इनको जो भगवान जो भी भगवान को लेकर मानना है तो सब ब्रह्म जी के ब्रह्म जी ने यज्ञ किया वहाँ से उनको होता है कि माउथ से जो निकले वो थे ब्राह्मीण और गले से जो निकले वो थे सॉरी जो हाथ से निकले वो थे क्षत्रिय और जो पेट से निकले वो थे वैश्या पेट से निकले जो वैश्या और जो फीट से निकले वो सूधरा तो सुधरा जो थे वो सर्विस का काम किया करते थे वैश्या जो थे एग्रीकल्चर का काम किया करते थे और क्षेत्रीय जो थे वो मिलिट्री का काम किए थे तो ब्राह्मीण जो थे वो टीचिंग का काम किया करते थे तो ये थ्योरी था पता नहीं कितने हद तक सच है बट आ, लेट्स मान लेते हैं और पहले जो था वर्नर सिस्टम वो कलर पर बेस्ड था बट धीरे धीरे वो प्रोफेशन पे बेस्ड हुआ और फिर यहाँ पे जाकर चेंज टू कास्ट सिस्टम ये जो कि बर्थ पे मिलने लगा पहले बर्थ पे नहीं मिला था करता था सो so ये दसवें मंडल में पुरुषोत्त वर्णा सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड ये ठीक है हो गया नाउ आयरन स्मिथ यूनियन भी हो गया नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज लेटर वैदिक दिस द अच्छा जॉइंट फैमिली पेट्रियॉर्कल वर्ना सिस्टम नाउ विमेन की बात करें वीमेन का जो कंडीशन था वो आज तक कभी इतना अच्छा नहीं था जितना कि ऋग्वेदिक में हुआ करता था कंडीशन वॉज वेरी एक्सलेंट इन कंपेरिजन टू द प्रेजेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया और विच एवर पार्ट वी से सो सम मंत्रा यहाँ पे कुछ मंत्र भी हैं जो कि पोएट जो आ, जो कि है विश्वापारा लोपा मुड़ा घोषा अपाला ये विश्वापारा लोपा मुंडा और घोषा और ये अपाला ये विमेन पोएट है जो कि बहुत सारे मंत्र का इन्होंने जो भी है विमेन पोएट इनको बोला गया है ऋग्वेदिक केरा में और वहाँ पे कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं था ठीक है चाइल्ड मैरेज का थ्योरी बाद में आया गया ये इधर जो भी मुस्लिम इन्वेजन हुआ तब से इधर आ, क्योंकि हमारे ऋग्वेद में कभी कहीं कोई भी वेद में मेंशन नहीं है चाइल्ड मैरिज तो ये 16 साल के जो भी बड़े होते थे 16 साल थे उन्हीं का मैरिज होता था 16 साल के नीचे से नहीं होता था और पॉलीगामी वाज नॉट देयर एक्सेप्ट लिजेंड्री का स्टिल आई टोल्ड यू इन द लास्ट फ्यू मिनट्स बैक सो विडो री मैरेज वर अलाउड कैन यू बिलीव विडो री मैरिज यहाँ पे जो भी uh, जिसका वाई हस्बेंड uh, कर गया सो so, She can do री मैरिज सो विडो री मैरिज वॉज और ये जो इन सतपत ब्राह्मीण स्त्री इज कॉल्ड अर्धांगिनी तो सतपद ब्राह्मीण में जो औरत है उनको अर्धांगिनी बोला जाता था और आज वाइफ को अर्धांगिनी बोला जाता है और यहाँ पे एक और मेन चीज़ जो था कि अमाजू बो अमाजू एक टर्म है जिसका मतलब है कि अमाजू मैंशन है कि सपोज देर इज ठीक है ये लड़की है Uh, मन क्या किस आंखों से देखो मेरे सर बुला करते सो दिस इज मेन इफ दे बोथ है आर मैरिड एंड दे डोंट हैव अ मेल चाइल्ड तो दिस वेमेन कैन कॉन्टैक्ट विथ अनदर मैन टू हैव अ मेल चाइल्ड तो ये मेन uh, बहुत ही जिसको अमाजू बोला जाता था ये प्रेवनेंट था ठीक है सॉरी अमाजू नहीं था सॉरी 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 ये नियोग सिस्टम था ये नियोग सिस्टम था ये जो पूरा पैटर्न ही ये नियोग सिस्टम था अमाजू उसको बोलते थे जो कोई भी लड़की हो अपना शादी नहीं करना चाहती हमेशा फ्री रहना चाहती है विदाउट मैरिज इसी के सो उसको बोला जाता था अमाजू तो दिस वाज देर और सती सिस्टम उस टाइम पे नहीं था एंड दे टू हैड अ परमिशन फॉर उपनयन उपनयन जो कि जनरेशन संस्कार होता है अभी जो मेल में होता है उस टाइम पे विमेन में भी होता था तो वीमेन कैन ऑल्सो वियर जनेव इन देयर नेक सो यहाँ से एक नेक में धागा बांधा जाता है सो उपनयन का संस्कार जो भी होता था वो इनके लिए भी था फूड की बात करें तो बोथ वो वेज एंड नॉन वेज बट दे डोंट ईट बीफ बीफ वो गाय का मस नहीं खाते थे सो वो भी था फूड में वेज एंड नॉन वेज बोथ क्लॉथ की बात करें तो देर वर टू टाइ कॉटन लेदर वुल ये सब का क्लॉथ बनता था वुल तो वुल हुआ तो मतलब ये सिप का भी पालन करते थे और ये तीन टाइप का होता था वास ठीक है अधिवास और नीवी नीवी जिसको बोला जाता था सपोज दिस इज अ मैन और से अ वमेन नीवी जिसको बोलते थे वो बिलो वेस्ट कमर के नीचे पहनने वालों को नीवी बोला जाता था एबव वेस्ट कमर के ऊपर को पहनने वालों को वास और अधिवास क्या होता था एक्स्ट्रा कलिक थिंग्स जो पहनते थे लाइक दुपट्टा उसको अधिवास बोला जाता था ये क्लॉथ्स का हो गया सो so, आज तक आज के लिए बस ऋग्वेदिक की कथा टमोो विल डिस्कस अबाउट द लेटर वैदिक और इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियरड सो प्लीज़ जो भी मैं क्वेरी हो मैसेज हो कर दिया कीजिए इफ़ आई कैन सर्व इससे ज़्यादा शायद स्टेट पी और कोई भी एग्जाम में शायद ही नहीं पूछेंगे